वैक्सीन जान बचाएगी लेकिन कहां से आएगी? वैक्सीन है कम तो आखिर कैसे जीतेंगे हम? नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश इस वक्त मुश्किल हालात से जूझ रहा है, दिल्ली पर भी संकट बढ़ा है, लोग बेहाल और परेशान हैं और राजनेताओं की सियासत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले ऑक्सीजन संकट और अब वैक्सीन के मुद्दे पर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। एक तरफ से वैक्सीन वॉर दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। आज दिल्ली सीएम केजरीवाल ने केंद्र के सामने नया सुझाव रख दिया। केजरीवाल ने केंद्र से सभी कंपनियों को वैक्सीन निर्माण करने का सुझाव दिया है। केजरीवाल का कहना है कि वैक्सीन के बिना देश में कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। अब बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए यहाँ यह तक कह दिया कि वैक्सीन मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बनाई जाती। वार पलटवार का दौर जारी है और जनता पिस रही है। साथ आकर काम करने की बातें सिर्फ हवा हवा दिखाई देती हैं। दिल्ली में हो रही इस सियासत पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर किस तरह पलटवार किए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। शुरू हुआ बहुत सिस्टमैटिकली 45 से ऊपर वाले लोगों को केंद्र सरकार ने देना शुरू किया, तो ये नाक नुक्स निकाल रहे थे, मीन मेक कर रहे थे। और आज जब वैक्सीन को लेकर लोगों ने देख लिया कि कैसी हाहाकार मची है, तो लोगों के मन में भय पैदा कर दिया और अभी हाहाकार उल्टी तरीके की मचा रखी है। क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन जितनी है उन्हीं को आप करेंगे ना, भारत की जितनी है उतने ही करेंगे। और भारत के अंदर 4 नए लोगों को वैक्सीन का, जैसे जॉब वर्क होता है, आगे लाइसेंस को दिया भी गया है। अभी 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने वो योजना भी बनाई है कि अधिक लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर सके। देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। लेकिन आपको समझना होगा, वैक्सीन कोई क्रोसिन जैसा ड्रग नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए और खास तौर पे कोवैक्सीन जिसमें लाइव वायरस यूज होता है, उसके लिए एक तरीके की लैब्स उपलब्ध होना भी तो जरूरी है। उस तरीके की फैसिलिटी ही बना सकती है। लाइसेंसिंग आप मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कर सकते जी। वैक्सीन की लाइसेंसिंग के लिए एक लेवल ऑफ फैसिलिटी की जरूरत है। सियासतदान की तू तू मैं मैं, आखिर आम आदमी का कैसे होगा बेड़ा पार? आइए देखते हैं आखिर सवाल क्या है। आपने दोनों को सुना, आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना और मीनाक्षी लेखी को भी सुना। दिल्ली में वैक्सीन वॉर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कोरोना संकट में वैक्सीन पर सियासत क्यों हो रही है? देश में वाकई वैक्सीन का संकट है या सिर्फ सियासत है? वैक्सीन पर सियासत से क्या सरकार की नाकामी को छुपाया जा सकता है? इन्हीं सारे सवालों के साथ एक बड़े पैनल के साथ हम बहस और चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जुड़ेंगे। हमारे साथ मेहमान के रूप में बीजेपी की नेता प्रवक्ता शायना एनसी, हमारे साथ संजय द्विवेदी शिवसेना के प्रवक्ता, हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर एमसी मिश्रा डायरेक्टर जो कि पूर्व निदेशक एम्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के नेता संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। संजय जी, वैक्सीन जान बचाएगी लेकिन कहां से आएगी? जी मनीष जी, यही सवाल तो पूरे देश का है आज की डेट में कि वैक्सीन कहां से आएगी। 1 मई से 18 साल के लगने के की गई दिक्कतें आज जो आ रही हैं कि इससे पहले से महामारी आई थी मनीष, और उस महामारी ने सरकार ने बड़ा मुंह से विपक्ष को संग लेके और लड़ाई पड़ा था। तो आज पाई है, आज वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन भी लग रही है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था माननीय केजरीवाल जी का, माननीय मीनाक्षी लेखी जी का, तो आपस में जो नोकझोंक कर रहे हैं ये बहुत गांव में पड़ रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। आज 4,000 से ऊपर हमारे मरीज मौत हो रही है, ये दुखदायक नहीं है क्या? ये इसमें कोई जीत से नहीं है। इससे पहले आप जीत है तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, जब सारी प्रयोग के बाहर निकल गए देश में ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं ठीक होने, तो आज 120 करोड़ जनता है। अगर वैक्सीन हर व्यक्ति के लगे कैसे, सैकड़ों वैक्सीन एक पर डे बनेगी तो आप निकाल साल अगर लगाते हुए सबसे बड़ा को मैं तो नहीं, तो ये इनके मंत्री जी हैं, जो मंत्री जी हैं उनको समझना चाहिए था। आखिरकार बड़ी फैसले लड़ाई है, तब तो ये महामंडल करने लगे, तब विश्व गुरु बनने लगे, तब अच्छा आज दूसरी चीज है और सेवाएं जो है देश की वो सब पूरी जो है आज सरकार के महामारी की वजह से ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, जो आपका चाहे वैक्सीन हो, चाहे दवाइयां हो, जो भी चीज है वो आपके अधीन है, तो ये इंतजाम करके कौन देगा? अब विपक्ष अगर मांग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भाई कोई चीज चाहिए तो उसमें राजी हो सकती है। मीनाक्षी लेखी जी द्विवेदी जी, द्विवेदी जी ये समय जी इस महामारी को सभी के बैठ के द्विवेदी जी आप ही की नाम राशि के आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता संजीव झा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, ये तीखी नोकझोंक जो आपस में चल रही है बीजेपी की आपके सामने, आपकी बीजेपी के सामने, ये जो आर पार और तूतू मैमा है, इससे आम आदमी सफर क्यों करे? झा साहब, मैं भी बिल्कुल सहमत हूं कि ये नोक झोंक से जनता को फायदे नहीं है, लेकिन बेंग जनप्रतिनिधि अगर हम जनता की बात नहीं रखेंगे तो फिर और कौन रखेगा? आप देखिए कि अगर आप वैक्सीनेशन कोर्ट की पूरी पॉलिसी देखेंगे तो ये कहा गया था कि स्टेट एक्वायर करेगा। अब स्टेट जब हम बिगर दिल्ली हम जब प्राइवेट दोनों कंपनियों को जिनसे हमें लेना था उनको हमने जब ये अपना ऑर्डर प्लेस किया तो केंद्र सरकार का जवाब आ जाता है, आज हमारे पास को वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की भारी कमी है। तो ऐसे में कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि ये संभव है कि आज दो कंपनियों के पास फॉर्मूला है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग हम मेडिसिन हैं, तो बाकी कंपनियों को दे देना चाहता ताकि ये वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन हो और हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट लोगों को कर पाए। चूंकि आज आप देखेंगे कि अगर कोरोना की लड़ाई से हमें फतह पाना है तो वैक्सीनेशन एकमात्र केवल टूल्स है, क्योंकि जो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया उन्हें फैटलिटी रेट नहीं आया, तो हम ये हाथ पर हाथ धरे तो नहीं रह सकते ना। तो तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रास्ता बताया था। देखिए, गलतियां पहले भी बहुत सारी हुई। आपने देखा कि अक्टूबर नवंबर में केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं हम कोरोना से हम जंग जीत गए, चूंकि संजीव झा साहब इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब हमारे साथ हैं। जी हाँ, पहले तो ऑक्सीजन की कमी और अब टीके की टीस, दिल्ली की कहानी सत्येंद्र जैन साहब की जुबानी। सत्येंद्र जी, आपका इंडिया न्यूज के देश का सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, हम चाहेंगे कि दिल्ली का अपडेट आपकी जुबानी आए। इस वक्त आपको लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ मुकेश जी, देखिएगा, ये बिल्कुल सही बात है कि पीछे दिल्ली ने ऑक्सीजन की बड़ी कमी झेली और कुछ दिन तक ऑक्सीजन की वजह से बहुत ही बेड्स की भी दिक्कत रही। आज जो टीकाकरण स्टार्ट हुआ है और टीकाकरण के अंदर हो क्या रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमने पूरा सेटअप कर लिया है कि हम बहुत तेजी से, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 महीने के अंदर दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को हम लगा सकते हैं, पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो वैक्सीन अवेलेबल ना होना एक इसमें पूरा का पूरा एक रोड ब्लॉक बन गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन
जो बनाने की कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर हैं, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देश दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में होता है, और हिंदुस्तान चाहे तो पूरे देश के लिए जो वैक्सीन बनानी है बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी बना सकता है। और एक वैक्सीन तो भारत सरकार ने ही भारत बायोटेक के साथ मिलकर बनाई है, तो उस वैक्सीन को तो भारत सरकार जब भी चाहे सभी को प्रोडक्शन के लिए दे सकती है। अगर आज कहे तो मुझे लगता है 2-4-10 दिन के अंदर ही एकदम से प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी पूरे देश के लिए वैक्सीन की दिक्कत नहीं रहेगी। जी सत्येंद्र साहब, लेकिन जहां तक बात की जाए इस समय ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में? क्योंकि देखो पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी भी कम आई है, टोटल केसेस जो 28,000 प्रतिदिन पहुंच गए थे वो कम होकर अब 12,000-12,500 पे आ गए, तो डिमांड थोड़ी कम हुई है, तो अभी इस टाइम संतोषजनक है स्थिति, पिछले 3-4 दिन से ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आई है। जी सत्येंद्र जी, आप पर आरोप ये भी है, बीजेपी हमेशा ये आरोप लगा रही है कि आपकी जो सरकार है यानी दिल्ली सरकार है इसका मैनेजमेंट फेल हुआ, इसलिए ये सारी तकलीफें हुई। आप जिस तरह से केंद्र सरकार को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला, टीके नहीं मिल रहे, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट विफल हुआ है। सत्येंद्र जी देखिएगा ये तो आपस में मतलब समय भी नहीं आ रहा प्रत्यारोप करने का, पर देखिएगा वैक्सीन अगर अवेलेबल हो, आप कहिए हमने 1.5 करोड़ वैक्सीन उनसे मांगी थी वो हमें दे दें, फिर कहे कि हम नहीं लगा पाते हैं, तो आप हमें 1.5 करोड़ इकट्ठी दे दीजिएगा, हम 15-20 दिन में सारी लगा देंगे, परंतु दे तो सही। अभी क्या है कि वैक्सीन जो है सारा कंट्रोल केंद्र सरकार का है, अब उसमें आरोप वाली बात ही कहाँ रहेगी। अब इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जब उन्होंने एलोकेशन कर दिया, कोटा फिक्स कर दिया कि इस राज्य को इतनी ही मिलेगी, जरूरत कितनी भी है, ज़्यादा है कम है, उसको उन्होंने अगर कोटा फिक्स कर दिया, दिल्ली को अगर 400 टन मिलेगी, 300 मिलेगी और डिमांड 700 टन की है, तो कैसे काम चलेगा, उसके अंदर चल ही नहीं सकता। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई एक ही राज्य के साथ ऐसा हुआ, दिल्ली के अंदर डिमांड थी 700 टन की, दिल्ली को पहले कोटा दिया गया 378 टन का, फिर 390 टन का, 400 टन का, तो डिमांड से भी कम ऑक्सीजन दी गई, और उसके अंदर ये कहना कि भाई हम आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे आधी दे दी, और फिर कहते हैं आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ठीक से कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। जी सत्येंद्र जी, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया फॉर्मूला लाया, उनका ये कहना है कि इसका वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो देश की बड़ी फार्मा कंपनियों को दे दिया जाए ताकि इसका जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर आ सके, इस समय देश में करोड़ों वैक्सीन की जरूरत है। ऐसी सूरत में बीजेपी ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में ये वैक्सीन बनवाई जाए, तो इस तरह की जो बातें होती है मुझे ऐसा लगता है कि जनता का मनोबल कमजोर होता है। देखिएगा जनता इतनी समझदार है, उसको पता है कि वैक्सीन का उत्पादन वैक्सीन कंपनियों में होता है, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता है, और देश के अंदर मेरी नॉलेज में ही कम से कम 30 ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनको जो वैक्सीन का फॉर्मूला है अगर वो शेयर कर ले, मैंने तो बताया ना जो भारत बायोटेक के साथ केंद्र सरकार की संस्था ने मिलकर बनाई है, तो उसको शेयर करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको सबके साथ शेयर कर ले, करोड़ों वैक्सीन तुरंत बन जाएगी। या अगर केंद्र सरकार कहती है कि नहीं कोई भी ले ले, ओपन कर देना एक बारी, ओपन करे तो सही, सबको दे दें तो हो जाएगा, ये तो बहुत आसान तरीका है। जी सत्येंद्र जी, एक बात, जिस तरह से हम टीकाकरण पे आते हैं, टीकाकरण को लेकर इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि आप वैक्सीन केंद्र पर यानी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और वहां पता चलता है कि वैक्सीन खत्म है, आज आपको वैक्सीन नहीं दी जा सकती। ऐसी सूरत में अभी दिल्ली के पास कितने दिन की वैक्सीन बची है? देखिएगा दिल्ली के पास मैक्सिमम 3-4 दिन 5 दिन की वैक्सीन है। वैक्सीन का देखो अभी तो हम जो स्लॉट हैं, स्लॉट उतने ही दे रहे हैं जितनी वैक्सीन है, और वो भी स्लॉट कम दे रहे हैं तब भी 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर वैक्सीन हमें खूब मिल जाए तो हम तो पब्लिक को ओपनली दे देंगे, सबको लगा देंगे। सत्येंद्र जी आप सारे सवालों का जवाब एक एक लाइन में दे रहे हैं, मुझे लगता कि शायद आप इसको पूरा बढ़ा कर रहने की इसे गहराई में जाकर आप समझाते, लेकिन आप एक एक लाइन में जैसे पत्रकार टीवी के पत्रकार एक एक लाइन में अपना पीटीसी करके हट जाते हैं आप दे रहे हैं। मेरा सवाल सत्येंद्र जी आपसे ये है कि जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण हो रहा है तो आपको क्या लगता दिल्ली की जनता आखिर कितने महीनों में पूरी तरह से टीकाकरण हो जाएगा दिल्ली की जनता का? देखिएगा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार 3 महीने में दिल्ली की सारी जनता को लगा देगी,
प्रोवाइडेड ये टीका मिल जाए, और जिस रफ्तार से चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि आसानी से ये मतलब कई महीनों में भी पूरा होगा। देखिए, टीकाकरण का तभी फायदा होता है जब बहुत तेजी से सभी जनता को लगा दिया जाए। अगर कोई किस्तों किस्तों में लगाएंगे तो उसका बेनिफिट इतना नहीं मिलता है, जो हर्ड इम्यूनिटी वाली बात है। अगर वैक्सीनेशन सबको करेंगे और एक साथ करेंगे तभी उसका फायदा होता है। हमारी तरफ से तैयारी है, हम इमीडिएटली लगा देंगे। हमें बस वैक्सीन की इंतजार है, वैक्सीन चाहिए। और वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए मैं फिर से आपके चैनल पर रिपीट कर रहा हूँ, देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, दुनिया के अंदर वैक्सीन उत्पादन की हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, पूरी दुनिया की कैपेसिटी से ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी है। हम चाहें तो रातों रात लाखों करोड़ों वैक्सीन अपने यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है कि जो उसका फॉर्मूला है वो बाकियों के साथ शेयर करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। अब तो देखिए इस टाइम इमरजेंसी है, और केंद्र सरकार ने तो खुद ही अगर वो बनाया है, फॉर्मूला बनाया, मिलके बनाया है, तो शेयर कर ले, क्या दिक्कत है जी। सत्येन जी, हम जानना चाहेंगे आखिर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन को लेकर जो दिक्कत आई थी, क्या ये दिक्कत आपको लगता है कि ये पक्षपातपूर्ण रवैये के तहत आई कि दिल्ली को ये सारी बातों के तहत जूझना पड़ा? कहीं ना कहीं तो कोई मतलब प्लानिंग में दिक्कत रही केंद्र सरकार की तरफ से। और देखो, मुझे ऐसा लगता था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की पॉपुलेशन नहीं है, दिल्ली में इलाज कराने के लिए सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं, दिल्ली से आसपास के लोग भी आते हैं, दूर दूर के लोग भी आते हैं इलाज कराने, सब आते हैं। दूसरी बात एक और है, आज भी अगर दिल्ली सरकार का ऐप देखेंगे तो 19,000 से ज्यादा लोग एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर। 20-22,000 पेशेंट एडमिट थे जब हमारे पास ऑक्सीजन की दिक्कत आई, और ज्यादातर लोग सीरियस थे। तो जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हो सकता कि दिल्ली की आबादी कम है तो दिल्ली को कम ऑक्सीजन दे दो, जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा दे दो, या कितने पेशेंट पॉजिटिव। अरे भाई, हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी हैं, ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, ऑक्सीजन उनको लगी हुई है, तो उसको कोटा करके कम नहीं कर सकते। एक पेशेंट को मान लो हमने 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दी है, आप कोटा फिक्स कर दो, उसके हिसाब से अगर 5 लीटर करनी पड़े तो डेथ हो जाएगी उसकी, बचेगा ही नहीं। तो कोटे से ऑक्सीजन ऐसी चीज नहीं जिसका कोटा निर्धारित किया जा सके, वो गलती कहीं ना कहीं हुई है, कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर। सत्येन जी, एक और बात, हालांकि कोरोना का पता लगाने के लिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होता है, इसको लेकर लैब में लंबी वेटिंग है। आपको लगता है आरटीपीसीआर जांच करने वाली लैब इस समय दबाव में है, दबाव काम का, कितने सारे आरटीपीसीआर टेस्ट करने पड़ रहे हैं और उन्हें 4-4, 5-5 दिन की वेटिंग लग रही है, ऐसे में कोरोना मरीज को देरी हो जाती है जांच में? नहीं, देखिए, ये हो सकता है दिल्ली से बाहर हो, दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में जितने भी सैंपल लिए जा रहे हैं सबका 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी जा रही है। पीछे कुछ दिन के लिए 3-4 दिन के लिए दिक्कत आई थी, उसको हमने ठीक कर दिया था। सत्येन जी, एक और अभी जानकारी आ रही है, वो ये कि अब सारे राज्यों ने एक दूसरे राज्य में आने जाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट यानी उसकी नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी है। क्या दिल्ली ने भी इसको सड़क मार्ग से जाने आने वाले लोगों के लिए, अलग राज्यों में जो जाते हैं आते हैं उनके लिए ये जरूरी कर दिया है? नहीं, अभी नहीं किया है, उसके बारे में विचार किया जाएगा। जी, एक और बात सत्येन जी, चूंकि आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, देश की राजधानी है दिल्ली, इस समय जो हवाई यात्रा करने वाले यात्री होते हैं सत्येन जी, उनको लेकर एक बड़ी समस्या है दूसरे राज्यों में। भले ही आपने कहा कि दिल्ली में अभी 24 घंटे में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिल जा रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में अभी भी लैब्स पर दबाव है और 72 घंटे के पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलती। आईसीएमआर की एक गाइडलाइन है सत्येन साहब, उसमें यह है कि ये राज्य तय कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति अपनी वैक्सीन की दोनों डोज ले रखा है तो उसे आरटीपीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसकी जरूरत नहीं होगी। आपको लगता है जो हवाई यात्रा से यात्री आते हैं उनके लिए अगर उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की ले रखी है तो आपको लगता है कि हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर जरूरी है? जो आरटीपीसीआर दिल्ली एयरपोर्ट पे किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट विद इन 2 घंटे से लेकर 4 घंटे में आ जाती है, और ज्यादातर विदेश से आने वाले लोगों के लिए वो कंपलसरी है, देश के अंदर ज्यादातर रूट पे कंपलसरी नहीं है। जी सत्येन जी, हम फिर एक बार चाहेंगे, आपको लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम एक बार फिर चाहेंगे कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लेकर आपके टीकाकरण की क्या योजना है, और इसके साथ साथ फिर एक बार हम जानना चाहेंगे कि 45 से ऊपर के जो लोग हैं उनकी दूसरी डोज को लेकर क्या स्थिति है, क्या उनकी दूसरी डोज की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है या उन लोगों ने डोज ले ली है? सत्येन जी,
पहले तो 45 से ऊपर का मैं बता दूं, 45 से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी पहली डोज भी और सेकेंड डोज भी दिल्ली के अंदर 250 से भी ज्यादा सेंटर पे चल रही है, उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी सेकेंड डोज ड्यू होती है आप जाइएगा लगवा लीजिएगा, उसमें बिल्कुल कोई क्यू नहीं है, आराम से लग रही है। 18 से जो 44 ईयर्स तक की एज वाले लोग हैं उसमें वैक्सीन की दिक्कत है, किल्लत है, कमी है। और दिल्ली के अंदर हमने 100 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों के अंदर इंतजाम किया है, एक एक स्कूल के अंदर हमने 10-10 8-8 6-6 सेंटर बनाए हैं, लगभग 350 से ज्यादा सेंटर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो वर्किंग है। बस मैंने जैसे पहले भी बताया था कि उसमें वैक्सीन अभी हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, हम रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र सरकार से कि दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जल्द से जल्द दिलवाए ताकि हम जल्द से जल्द लगा सकें। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 3 महीने में दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को हम वैक्सीन लगा देंगे। जी सत्येन जी, कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि इस महामारी को लेकर केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, आपको लगता है कि ये बैठक जरूरी है ताकि बेहतर समन्वय हो सके आपस में सियासी दलों के बीच में? केंद्र की मर्जी है तो बुला ले तो अच्छी है। सत्येन जी आपकी आवाज नहीं आ पाई, क्या आपको मेरा सवाल सुनाई दिया सत्येन जी? नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें केंद्र की मर्जी है, केंद्र बुला ले तो अच्छा ही रहेगा कि बाकी लोगों से विचार विमर्श किया जा सकता है। जी एक तरह से केंद्र ये जो कह रहा है, स्वास्थ्य जो मुद्दा है, सत्येन जी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के सारी दुनिया की नजर इस समय दिल्ली पर होती है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये जिम्मा राज्य का है, तो ऐसी सूरत में जो भी 19-20 होता है या मरीज परेशान होते हैं, तीमारदार परेशान होते हैं, ये सारा जिम्मा आप ही का, कह रही है केंद्र। देखियो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, अगर ऑक्सीजन पूरे देश में है तो उसका कोटा केंद्र सरकार फिक्स करेगी, पूरे देश के जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है उनके ऊपर केंद्र सरकार का कब्जा रहेगा, फिर कहेंगे राज्य का मुद्दा है। अरे भाई ऑक्सीजन अगर तुम दोगे, जैसे पेट्रोल है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में तो पेट्रोल का उत्पादन होता नहीं है, दिल्ली में रिफाइनरी है नहीं, अगर कल को केंद्र सरकार कोटा फिक्स कर दे कि भाई आपको दिल्ली में इतना ही पेट्रोल मिलेगा और फिर कहेंगे दिल्ली के अंदर मैनेजमेंट कर लो, भाई जितना जरूरत है उससे अगर आधा दोगे तो मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। इसी तरह से आपको छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, वैक्सीनेशन की जो साइट है वो एक कोविन ऐप है जो केंद्र सरकार के हाथ में, उसके बिना आप लगवा ही नहीं सकते, फिर राज्य का मुद्दा काम, तो कह रहे हैं कि इसको फ्री कर दीजिएगा, इतना ज्यादा इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अगर वैक्सीनेशन है तो सभी राज्यों को अलाउ कर दे, वो राज्य कर लेंगे, बाकी सारी वैक्सीनेशन भी तो करते हैं कि केंद्र सरकार के उसी ऐप के ऊपर जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, हर आदमी के पास तो स्मार्टफोन है नहीं, हर आदमी इतना होशियार भी नहीं है कि अपॉइंटमेंट ले सके, तो बेचारे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है जो अपॉइंटमेंट ले नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आ रहा, सिस्टम नहीं पता लग रहा है, वो तो पीछे छूट जाएंगे, परंतु वो कहते नहीं मुद्दा तो राज्य सरकारों का है परंतु सारी पावर सारा कंट्रोल हम अपने पास रखेंगे, ये ठीक नहीं है। जी सत्येन जी एक और बात जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया था, उन्होंने कहा था कि टीके की जो कीमत है वो कीमत एक होनी चाहिए, इस समय देश में जो भावना है एक देश एक निशान एक विधान, तो टीके की कीमत भी एक कीमत होनी चाहिए कि सारे राज्यों को जो टीका मिले उसकी कीमत एक हो। बड़ा अजीब मतलब आश्चर्यजनक सी बात है, जैसे पेट्रोल है पूरे देश में मान लो 90 रुपये है तो 2-4 रुपये ऊपर नीचे है, मतलब 2%-3% ऊपर नीचे, परंतु ये जो वैक्सीन है 150 रुपये की केंद्र सरकार को मिलेगी, राज्य सरकार को 300 रुपये की मिलेगी, प्राइवेट को 400 की मिलेगी, दूसरी वैक्सीन केंद्र सरकार को जो कोवैक्सीन है 150 रुपये की, राज्य सरकार को 400 रुपये की, प्राइवेट को 1200 रुपये की, तो मतलब बड़ा अजीब सी स्थिति है, कुछ समझ से बाहर है कि भाई एक ही वैक्सीन के इतने सारे अलग 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 रेट बनाए गए हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि एक वैक्सीन एक रेट एक भारत, सही बात है। जी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येन जी दिल्ली सरकार के, और देश के स्वास्थ्य मंत्री भी इसी दिल्ली से आते हैं, क्या आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन से समन्वय को लेकर कितनी बार बातचीत हो पाती है सत्येन जी? नहीं, उनसे बड़ी बातचीत होती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी आपको क्या लगता है इस समय दिल्ली को टीके के अलावा और क्या क्या जरूरी है जो कि आपको केंद्र की ओर देखना पड़ रहा है और केंद्र से आपको तुरंत चाहिए सत्येन जी? एक तो ये ऑक्सीजन मिलती रहे, दूसरा वैक्सीन तुरंत मिल जाए,
दो चीजों की एक सख्त जरूरत है जी, ऑक्सीजन और जहां तक बात की जाए सत्येन जी, आप लोगों ने बेड एक ऐसी समस्या सामने आई थी इस लहर में कि लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे थे, इन्हें बिस्तर नहीं मिल रहे थे। इस समय हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि दिल्ली में आखिर बेड कितने अवेलेबल हैं, और जो मरीज जिसको एसिम्प्टोमेटिक भी आता है जैसा सरकार ने कहा, अगर आप संदिग्ध मरीज भी हैं तो अस्पताल को आपको भर्ती करना होगा। तो हम चाहेंगे सत्येन जी कि आप बताएं इस समय दिल्ली में बेड्स को लेकर क्या स्थिति है। देखिए मैं आपके सामने ना दिल्ली सरकार का ऐप है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी जो हॉस्पिटल्स में बेड हैं 23,221 बेड हैं, जिसमें से 4,183 बेड अवेलेबल हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने राधा स्वामी सत्संग व्यास में 500 बेड, संत निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी में 500 बेड, कॉमनवेल्थ विलेज में और 6 जगह पर हमने 2000 बेड ऑक्सीजन बेड, यहाँ पे 24 घंटे ऑक्सीजन का प्रबंध है, वो भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसको मिलाकर जो ऑक्सीजन के टोटल बेड हैं वो 25,000 के करीब बेड हैं, जिसमें से लगभग 5,000 के बेड लगभग अवेलेबल हैं। पर मैं आपको बता दूं कि देखो 5,000 बेड अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी वी आर नॉट फीलिंग इट कम्फर्टेबल। देखो अगर 70% से भी 60-70% ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होती है तो ठीक नहीं है। पिछली बारी जब पीक आई थी तो हमारे पास मैक्सिमम 9,500 बेड ऑक्यूपाई हुए थे, तो 9,500 जब ऑक्यूपाई हुए थे तब हमारे पास 18,000 बेड थे। इस बारी जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 20,000 बेड, जब पीक थी 21-22,000 तक गया था, वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे को कंफर्ट तब होता कि भाई 20,000 ऑक्यूपाइड तो 10,000 खाली होने चाहिए थे। तो बेड इस बारी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि भाई ऑक्सीजन की दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को बेड की कमी करनी पड़ी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सरोज हॉस्पिटल है एक रोहिणी में, उनके पास 200 से ज्यादा बेड चलाने की कैपेसिटी थी, उन्होंने 130 बेड किए। ऐसे कई सारे अस्पताल थे, आकाश हॉस्पिटल द्वारका में आज उनके 250 बेड है परंतु बीच में उन्होंने 130 बेड कर दिए थे। कई सारे हॉस्पिटल ने बेड कम कर दिए थे बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रॉब्लम। जी सत्येन जी, जाते जाते एक छोटा सवाल लेकिन महत्वपूर्ण जी, आज देश सुन रहा है और देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन साहब ने इस बात का अंदेशा जताया कि तीसरी लहर आ सकती है, सितंबर अक्टूबर तक आएगी और वो बच्चों को चपेट में ले सकती है, इसको लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है? सत्येन जी आखिरी सवाल। बिल्कुल चिंता का विषय है जो उन्होंने कहा है कि भाई सितंबर अक्टूबर तक जो लहर आएगी, इस बारी 28,000 तक मैक्सिमम केस गए थे तो हम 28,000 से कुछ ज्यादा केसेस तक का हम तैयारी करके रखेंगे। पिछली बारी थी 8,500, पिछली बारी जो मैक्सिमम केस आए थे 8,600 केस आए थे, तो हमने 15,000-20,000 तक की तैयारी करी हुई थी। इस बारी हम और भी ज्यादा तैयारी करेंगे और सितंबर तक बिल्कुल तैयारी करके रखेंगे। सत्येन जी आप इंडिया न्यूज के देश के सवाल के कार्यक्रम में आए और आपने दिल्ली की कहानी अपनी जुबानी बताई, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को समझाया कि आखिर दिल्ली की तैयारी कैसी है दूसरी लहर को खत्म करने की और इसके साथ साथ तीसरी लहर को ताल ठोक कर ये कहने की कि दिल्ली पस्त नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार पुनश्च। जी आप वक्त है सुर्खियों का।